हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कुक विद यश में स्वागत है। आज मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मजेदार रेसिपी, जिसका नाम है स्प्राउट सलाद, यानी अंकुरित चने और मूंग का सलाद। मैं आपको बता दूं कि मैं इसे इतना हेल्दी क्यों कह रहा हूँ। होता ये है कि अंकुरित चीजों में बहुत अच्छी मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसीलिए हमें स्प्राउट सलाद जरूर खाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल अंकुरित चना। अंकुरित चना बनाने के लिए आप चने को एक दो दिन पहले पानी से धो करके उससे रात भर भिगो के छोड़ दीजिए। दूसरे दिन उसका पानी चेंज कर लीजिए और उसे नॉर्मल उसी तरह छोड़ दीजिए। एक दो दिन में आपका चना अंकुरित हो जाएगा। इसके साथ ही हमने लिया है अंकुरित मूंग। मूंग को भी हम चने के जैसे ही छोड़ देंगे तो हमारा ये भी तैयार हो जाएगा। ये सोया बड़ी है, इसे आप आधे घंटे पहले भिगो के छोड़ दीजिए, आपका ये भी तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने लिया है आधा खीरा छोटे छोटे पीस में कट करके, एक टमाटर रफली चॉप की हुई, एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, रोस्ट की हुई मूंगफली, तीन चार बादाम चॉप किया हुआ, थोड़ी सी धनिया की पत्तियां, आधी गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई, एक प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, एक नींबू और इसके साथ हाफ टी स्पून चाट मसाला, स्वाद अनुसार सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक। सलाद प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बोल। उसमें हम सबसे पहले डालेंगे अंकुरित चना, इसके साथ ही इसमें जाएगा अंकुरित मूंग। आप चाहें तो चने या मूंग में से सिर्फ एक चीज भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं न्यूट्रिला यानी सोया बड़ी। सोया बड़ी में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, आप सोया बड़ी की जगह पनीर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे खीरा, प्याज। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, वैसे गर्मियों में प्याज खाना बहुत अच्छा होता है, इससे हमें लू नहीं लगती। अब इसमें जाएगा गाजर, गाजर से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। फिर इसमें जाएगा टमाटर। अब इसे थोड़ा मजेदार बनाने के लिए इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। रोस्ट की हुई मूंगफली, मूंगफली को हल्का सा तावे पे भून लीजिए, ये तैयार हो जाएगी। तीन चार बादाम के टुकड़े। अब इसमें जाएगा एक नींबू का रस। नींबू हमें बहुत ही ज्यादा फायदा करता है और इस कोरोना काल में हमें नींबू का सेवन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक लगभग हाफ टी स्पून। अब इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे चाट मसाला हाफ टी स्पून। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हरी धनिया। हरी धनियों से भी हमारी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। तो लीजिए, हमारा स्प्राउट सलाद सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और इस कोरोना टाइम पे तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए, ये आपके इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आप इसे मिक्स फ्रूट जूस, प्रोटीन शेक, डेट्स स्मूदी के साथ आप इसे ले सकते हैं। मैं इन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी रील्स आपसे मिस ना हो। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे मैं फिर मिलूंगा अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।